लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने अपने बेटे की मौत के बारे में बात की है और पुष्टि की है कि सुशांत 2021 में बसना चाहते थे। 14 जून को 34 साल की उम्र में सुशांत ने आत्महत्या कर ली। वह अवसाद से पीड़ित थे। तड़का बॉलीवुड के अनुसार एक टीवी साक्षात्कार में सुशांत के पिता ने कहा कि जब वह छोटा था तब अभिनेता अपनी भावनाओं के साथ बहुत खुला हुआ करता था, लेकिन हाल के वर्षों में और अधिक समावेशी हो गया। उनके पिता ने कहा, पहले तो सब बोलता है, आखिरी मुझे क्या हुआ, हम बताया नहीं, उसके पिता ने कहा। सुशांत की पूर्व प्रेमिका अभिनेता अंकिता लोखंडे के बारे में सुशांत के पिता ने कहा कि न केवल वे मुंबई में बल्कि पटना में भी उनसे मिलने गए थे। सुशांत और अंकिता अपने टीवी शो पवित्र रिश्ता के सेट पर मिले और 6 साल तक डेट किया। उनके निधन के बाद उन्हें सुशांत के मुंबई स्थित घर पर देखा गया। वह सुशांत के जीवन की एकमात्र लड़की थी जिसे उसके पिता जानते थे और वह रिया चक्रवर्ती के बारे में नहीं जानती थी। उन्होंने यह भी कहा कि वह कृति सनोन से मिले जिन्होंने अंतिम संस्कार में सुशांत की काफी प्रशंसा की। सुशांत के पिता ने कहा कि वे अभिनेता के साथ उनकी शादी की योजना के बारे में बात करेंगे। इस बार बात हुई थी, हमसे बोला था कि कोरोना मुझसे तो नहीं, फिर हमसे बाकी एक फिल्म आ गई है, वो करेंगे, हमसे बाड़े फरवरी मार्च में दिखते हैं। ये ही आखिरी बातें हुई थी हमारे साथ। अंतिम बातचीत हमने उसकी शादी के बारे में की थी, जबकि सुशांत के पिता ने जिस लड़की से शादी करना चाहते थे उसकी पहचान उजागर नहीं की। उन्होंने कहा, हमने उससे कहा कि उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी चाहिए क्योंकि उसे उसके साथ अपना जीवन बिताना है। रविवार को सुशांत के परिवार ने पटना में उनके लिए प्रार्थना सभा रखी। इसमें भोजपुरी अभिनेता अक्षरा सिंह और भोजपुरी अभिनेता से राजनेता बने मनोज तिवारी ने भाग लिया।